जहांगीरपुर सूबे की सरकार विकास कार्य और सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, तो वहीं दूसरी ओर गड्ढों में सड़क नजर आ रही है। ऐसा ही एक मामला इटावा जिले में सामने आया, जहां गड्ढा युक्त सड़कों पर हो रहे जलभराव से जनता को आवागमन में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जलभराव में धान की पौध लगाकर गड्ढा मुक्त कराने को लेकर जमकर नारे लगाए। दरअसल मामला फर्रुखाबाद रोड स्थित हाईवे ओवर ब्रिज का है, जहां तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से गड्ढों में सड़क तब्दील नजर आ रही है। साथ ही इटावा जिले में पहली बारिश से ही सड़कें तालाब में नजर आ रही हैं, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ग्रामीणों के साथ मिलकर पानी में धान की पौध लगाकर विरोध प्रदर्शन किया और वहीं गड्ढा मुक्त कराओ के जमकर नारे लगाए। इस कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जिला अध्यक्ष मलखान सिंह यादव, पूर्व जिला अध्यक्ष उदयभान सिंह यादव, नगर अध्यक्ष पल्लव दुबे, राशिद यादव, आलोक यादव, विष्णुकांत मिश्रा समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।